हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक शॉर्ट रीडिंग लेकर के आए हैं कि आपके नेक्स्ट जो 3 डेज हैं उनके लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, या फिर क्या मैसेज आपकी तरफ बेसिकली आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू Pisces, मीन राशि। ओके, यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड अपने आप यहाँ से निकल कर आया है। ओके Pisces, Pisces, वाह। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है, द थिंकिंग वेमेन, थिंकिंग वेमेन का कार्ड ये बता रहे हैं, इस वेमेन के हाथ में ना मतलब बुक है। तो नेक्स्ट 3 डेज जो है आप लोग किसी चीज़ के मतलब, जिसे कहते हैं ना कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, किताबी कीड़ा। ठीक है, तो बेसिकली आप बहुत नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बुक्स को रीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आपकी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी विजडम, आपकी नॉलेज यहाँ पर बहुत बढ़ रही है। ठीक है, कुछ हो सकता है, मे बी आप कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, कोई स्टडी आप कर रहे थे उस चीज़ में, जिसे कहते हैं ना कि गहराई में उतरना। ठीक है, मुझे वो एनर्जीज मिल रही है, पर मुझे सबसे ज़्यादा ये एनर्जी मिल रही है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम यहाँ पर बढ़ रही है, आप बहुत डीपली चीज़ों को जान पहचान रहे हो, बहुत स्टडी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, जिस वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत 3 दिनों में बढ़ने वाला है। आप बहुत मैच्योर यहाँ पर दिखने वाले हो, मैच्योर इन द सेंस कि मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे, बोलोगे कम, एब्जॉर्ब ज़्यादा करोगे। ठीक है, चीज़ों को समझने की डीपली कोशिश करोगे, ज़्यादा बोलोगे नहीं आप लोग, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। और ये नेक्स्ट 3 डेज में ना आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हो गाइस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो आप, बहुत ही आपकी जो इंट्यूशन पावर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई देने वाली है, जिस वजह से कि आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग भी आ सकती है, भाई आप लोग अपने आप को जान सकते हो, पहचान सकते हो नेक्स्ट 3 डेज में। ये जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो किसी चीज़ के बारे में, खास कर ये ऑकल्ट साइंस को लेकर के भी यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपनी पावर के बारे में पता चले कि आप कौन हो। ठीक है, हीलिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप लोग मे बी आप लोगों के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ तो है ही हैं, आप लोगों को ये समझ में आ पाए कि यस आप कोई रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों को हील कर सकते हो। लोगों को तो हील कर ही सकते हो, आप अपने आप को भी हील कर सकते हो, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, आपकी सोच बहुत गहरी हो रही है आने वाले समय में। ठीक है, जिस वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे थे तो उसकी नॉलेज भी आपके अंदर आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बुक्स मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बुक्स आप रीड कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सर्चिंग आप नेक्स्ट 3 डेज में करने वाले हो। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रियली डोंट नो ये कार्ड क्यों आना चाहता है। ओह माय गॉड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि भाई आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो नेक्स्ट 3 डेज के लिए भी। ठीक है, और ये कार्ड एग्जैक्टली मुझे ये बता रहा है कि भाई अब ये वक्त आ गया है पाइसेस किसी बहुत बड़े चेंज का। हालांकि ये मैं नेक्स्ट 3 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, बट आई रियली डोंट नो कि कुछ हो रहा है, जैसे कुछ बड़ा हो रहा है आपकी लाइफ में, कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत डीपली बदल रहा है। मतलब ये मैं सिर्फ बाहरी तौर पर बदलने वाली चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है, आप जो थे अब आप कुछ और हो रहे हो पाइसेस। ठीक है, ये कार्ड मुझे वो बेसिकली बता रहा है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर की पावर, आपके अंदर का करेज, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है इन 3 दिनों में। माय गॉड, तो यस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।